लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, और लेकर आए हैं आपके लिए अब आज का वीआईपी शेयर। तो आज का वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ मयूरेश जोशी जुड़ चुके हैं। हाय, वेरी गुड आफ्टरनून मयूरेश, बताइए कहाँ पे लगाएं पैसे लंबी अवधि के लिए? गुड आफ्टरनून। हमें लगता है ऑटो एंसिलरी पैक में क्यूब इन्वेस्टमेंट्स ये स्टॉक पे जरूर नजर होनी चाहिए। दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। एक इनकी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज डिवीजन है उसमें एक अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ वापस आ चुकी है, और हमें लगता है आई थिंक बोथ एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक ऑर्डर बुक के साथ साथ एग्जीक्यूशन इम्प्रूव होगा और टॉप लाइन और एबिटा ग्रोथ ये डिवीजन में जबरदस्त दिखी जाएगी। जहाँ तक मोबिलिटी और ई मोबिलिटी का सवाल रहा है, आई थिंक काफी लॉन्चेस स्टार्ट हो चुके हैं। स्पेसिफिकली थ्री व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो उसमें अच्छा एक रिस्पांस मिला है। ई एच एस वी सेगमेंट में 40 से 50 ट्रक के रोल आउट करेंगे और इसमें भी अच्छा खासा ट्रैक्शन इनको हासिल हो सकता है, और ई सेलेक्टियल जो इनका ई ट्रैक्टर है वो भी रोल आउट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ई डिवीजन है दैट शुड स्टार्ट गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन लगेगा इन टर्म्स ऑफ सेल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैनेजमेंट सर्विसेज, बैटरी पैक्स, ये भी पूरी इनहाउस तैयारी होने लग गई है स्टार्ट, जिसकी वजह से अगले कुछ तिमाहियों में एक बहुत सिग्निफिकेंट मार्जिन में प्रभाव दिख सकता है। इनकी जो सब्सिडरीज है क्रॉम्पटन पावर, सीजी पावर जिसे हम कहते हैं, शांति गियर्स होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी अगर लगाने तो दोनों कंपनीज की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है और एक्सपेक्टेशन यही है इंफ्रा स्पेंड कंस्ट्रक्शन स्पेंड के कारण टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए। बैलेंस शीट इज वेरी वेरी स्ट्रांग, प्रमोटर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग, रिटर्न रेशियोज काफी तगड़े रहेंगे, तो क्यूब इन्वेस्टमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है विद द इंटेंडेड टारगेट एंड स्टॉक। ओके मयूरेश जी, एक बार आप अपना जो टारगेट है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में एक बार फिर से बताएंगे। एक हम 15-18% की अपसाइड देख रहे हैं इस वक्त। ओके, अगले 6 महीने में? 6 से 9 महीने में। ओके, 6 से 9 महीने में 15% से ज़्यादा के रिटर्न्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में ये उम्मीद लगा के चल रहे हैं मयूरेश जी। तो लगभग 4,000 के आसपास ये पर्टिकुलर काउंटर आ सकता है अगले 6 से 9 महीने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश जी आज की ये वीआईपी पिक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए